हाल ही में एक वाक्य पेश आता है। एक शख्स ने अपने YouTube चैनल पे एक बड़ा ही वियर्ड सा चैलेंज करने को ट्राई किया, मगर नाकाम हो गया। उस वीडियो का नाम था 24 आवर्स बरीड अलाइव चैलेंज। उस शख्स ने 24 घंटों के लिए अपने आप को एक दोस्त के साथ एक कब्र में बंद कर लिया, जिसमें उसने अपनी सहूलतों के लिए फैंस, लाइट्स, कैमरास, स्पीकर्स, मैट्रेसेस और आराम देने की सारी चीजें रख ली। कब्र के अंदर नाच गाना हुआ, मस्ती मजाक हुई और वो दोनों इस वहम गुमान में थे कि सही सलामती के साथ इस चैलेंज को पूरा करके बाहर निकल जाएंगे। अफसोस के दोनों को ये नहीं पता था कि व्लॉग की स्क्रिप्ट लिखना उनका काम है, मगर किस्मत की स्क्रिप्ट तो कोई और ही लिखता है। उन लोगों को इस बात की खबर न थी कि कोई और भी है जो इस कहानी में एक ट्विस्ट डालने वाला है। अचानक एक जोरदार तूफान उठता है और कब्र के अंदर के हालात ख़राब होने लगते हैं। लोग बाहर से प्लास्टिक रैप करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन पानी फिर भी कब्र के अंदर आने लगता है। भला हो उन लोगों का जिन्होंने सही वक्त पर कब्र को दोबारा से खोद के उन दोनों की जान बचाई और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया। उस शख्स की माँ ने उसे साफ मना किया था कि इस किस्म का प्रैंक ना करें, लेकिन हमें क्या, हमें तो व्यूज़ से मतलब है, राइट। इस वाक्य में हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख, एक बहुत बड़ी इबरत है कि कभी अल्लाह के कानून से मजाक ना करना। वो खुदा ऐसी चीज़ों पर भी कादिर है जो तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं। प्लीज़।